नाज़रीन, जैसे कि हमारे चैनल पर आपको हालिया में हुए दो मुख्तलिफ कत्ल के वारदात की खबर दिखाई गई थी। पहला फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में इंजन बोली बस डिपोट के करीब रूबरू सत्तार होटल के एक 24 साल नौजवान अब्दुल शाहरुख के बेदर्दना कत्ल की वारदात पेश आई थी। दूसरा वाकया डबीरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में इतवार के रोज अदनान नामी नौजवान पर गैंग अटैक हुआ था, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे, जिसके बाद अदनान को बगर से इलाज उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां आज सुबह दौरान इलाज 7:45 पर अदनान का इंतकाल हो गया। इसी जिमन में आज DCP साउथ जोन डॉक्टर गजाराव भोपाल IPS ने अपने ऑफिस पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इन दोनों केसेस के मुतालिक सारी तफसीलात बताई और वालदैन और सरपरस्त से गुजारिश की कि अपने बच्चों के रोज़मर्रा की सरगर्मियों पर नज़र रखते हुए उनकी हिफाजत करें। हर अहम और ख़ास खबर के लिए रूबरू न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। PS लिमिट्स में इसमें पूरे उसी एरिया के रहने वाले बच्चों के बीच में एक झगड़ा से शुरू हुआ। चंचलगुड़ा एरिया में पूरे 16 से 18-19 साल के बीच में पूरे लड़के सभी दोस्त आए और पिछले कुछ दिनों से चंद दिनों से इसमें थोड़ी झगड़ा चल रही थी। इसमें एक अब्दुल्ला नाम की एक लड़के को के पूरे लड़के मिलके उसको कुछ गाली दे रहे थे और उसको बोल रहे थे तू बच्चा है तू कुछ कर नहीं सकता, बोल को उसको चिढ़ा रहे बहुत दिन से। और इसी बीच में इसी इश्यू पे उस रात को एक छोटी सी पहले झगड़ा शुरू हो गई और भी अपने आप में उसको एक दूसरे को मारने लग पड़े पूरे बच्चे। इसमें ये जो बच्चा अदनान है उसको एक कमरान बोल के एक लड़का है उसने बहुत ज़ोर से सिर पे मारा और वहीं वो आदमी गिर गया, वो बच्चा गिर गया और बेहोश भी हो गया। उसको तुरंत उस्मानिया हॉस्पिटल ले गया, कल उसकी सर्जरी भी हुई लेकिन आज सुबह इसकी इंतकाल हो गया। और इसमें पूरे 6 लोगों का आइडेंटिफाई किया एक्यूज के रूप में। इसमें 2 जूनियल से 18 साल से कम उम्र के है और बाकी 4 में पूरे 18 और 19 इयर्स के बच्चे हैं इसमें। और मैं आज मीडिया के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ऐसे केसेस में हमारी 2 इम्पोर्टेंट एविडेंस है, एक है CCTV फुटेज, दूसरी है आई विटनेस जो आंखा देखा उसको, उसे कोर्ट में आने से पहले एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया जाता है उससे मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें वो ये मुजरिम को आइडेंटिफाई करना पड़ता उसको। अगर ये जो मुजरिम की आइडेंटिटी बाहर आ गई और बहुत पॉपुलर हो गई तो डिफेंस को ये वाकिफ लेने की उसको एडवांटेज होगी कि ये जो मीडिया में इसको देखा इसीलिए इसको आइडेंटिफाई कर रहा है बोल के प्रोसिक्यूशन केस को वीक कर सकता है और डिफेंस को इससे एडवांटेज हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसा फुटेज आप रेस्पॉन्सिबली इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू।